Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and more merciful. Assalamu alaikum, students. My name is Aswad, your mathematics teacher. I hope that you are fine and doing well. And this video is being made for both math and matric class students. And the topic that we are going to discuss is what should be subtracted from 2x power 4 plus 3x cube minus x square minus 1 so that it becomes exactly divisible by x minus 2. कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि आपने मतलब इस एक्सप्रेशन को आपने सेपरेट करना है बट एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है ये इस कंडीशन में, तो इसमें से हम क्या सेपरेट करें कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. तो इससे आप शायद मेरी बात को समझें. लेट सपोज अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 3 6 आपके पास रिमाइंडर आ जाता है 1. तो इसका मतलब क्या है, 1 शुड बी सबट्रैक्टेड सो दैट इट बिकम्स या 7 becomes divisible by 7. वही सेंस यहाँ पर भी मौजूद है कि यहाँ पर ये completely divisible नहीं है. So solution को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड जिस टर्म को किया जाता है दिस इज कॉल्ड डिविडेंड और द टर्म विच इज डिवाइडिंग द डिविडेंड इज कॉल्ड डिवाइजर. सो आवर डिविडेंड इज 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1. इसको हमने डिवाइड करना है एक्स माइनस 2 से. अब आपने क्या है कि एक्स आपके पास मौजूद, ठीक है, आपने ऐसी टर्म यहाँ पे रखना है कि आपके पास 2x पावर 4 आ जाए. उसके लिए आपने किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको, 2x क्यूब से. एक्स इंटू 2x क्यूब हाउ मच, 2x पावर 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 4x क्यूब अपोजिट साइन ऑफ माइनस प्लस प्लस माइनस दोनों कैंसिल. 3x क्यूब और 4x क्यूब हाउ मच प्लस के 7x क्यूब. साइन चेंज होने के बाद माइनस 4x क्यूब नहीं रहा, ये प्लस का हो चुका है, माइनस x स्क्वायर एंड माइनस का 1. अब इस टर्म का काम बिल्कुल खत्म है. नई टर्म को हम मालूम करेंगे नए टर्म के साथ, जो फर्स्ट टर्म में साइन मौजूद है व्हेन देयर इज नो साइन, सो देयर इज प्लस साइन, प्लस हो गया. ऐसे आपने 7x क्यूब मालूम कर लिया, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7x स्क्वायर से. x इनटू 7x स्क्वायर 7x क्यूब और माइनस इनटू प्लस माइनस 7 टू द 14 x स्क्वायर अपोजिट साइड ऑफ माइनस प्लस प्लस माइनस दोनों कैंसिल. 14x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करें, 13x स्क्वायर n माइनस 1. अब आपने क्या करना है, इसका भी काम तकरीबन नहीं है. अब नए टर्म को हम नए टर्म वैल्यू के साथ मालूम करेंगे, जो फर्स्ट टर्म में साइन है वो अप्लाई करें, प्लस x मौजूद तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 13x से. x इंटू 13x 13x स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस माइनस 13x इंटू 2 26x अपोजिट साइड ऑफ माइनस प्लस प्लस माइनस दोनों कैंसिल. 26x minus 1 जो remaining terms है are always written in descending order. अब आपके पास जो है वो 13 का भी काम नहीं है. अब x से आपने ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाने क्वेश्चन में जो आपके पास 26x आ जाए, जो फर्स्ट टर्म में साइन है वो लिखें, x मौजूद 26 26 into x 26x minus into plus minus 15 2 into 26 52 opposite sign of माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल. 52 में से 1 माइनस करें, 51 51 शुड बी सबट्रैक्टेड. सो दिस इज योर आंसर.